स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। कोई आपके क्षेत्र में भी माननीय अधिष्ठाता महोदय घायल होता होगा, अस्पताल जाने का अवसर आती होगी, ट्रामा सेंटर लखनऊ पहुंचता होगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाता, उसको कहेंगे आप बलरामपुर रिफर कर दिया जाता है, इसके बलरामपुर से फिर दूसरी जगह रिफर कर दिया जाता, इस तरह से उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इन सब चीजों को छिपाने के लिए फिर श्री भगवान श्री राम जी का सहारा लेने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। भगवान श्री राम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के आराध्य देव हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनको मानता है। और मान्यवर मैं तो अयोध्या के बगल का हूं, मेरे घर से अयोध्या की दूरी 40 किलोमीटर है, बल्कि 35 किलोमीटर है। हम लोग बचपन में साइकिल से अयोध्या रामनवमी का स्नान करने जाते थे, और हमें ये राम के बारे में, भगवान राम के बारे में पहाड़ा पढ़ाएंगे, और भगवान श्री राम के स्थापित करने का श्रेय लेकर बधाई पाने का भी, स्वयं बधाई लेने का काम भी यह सरकार करने का काम कर रही है। इसलिए कर रही है कि हर मुद्दे पर वो विफल हुई है, असफल हुई है, जिसके कारण अब केवल सहारा भगवान श्री राम का रह गया। मान्यवर ये सरकार आड़ लेकर दलितों के अधिकार को, अनुसूचित जाति के अधिकार को, पिछड़ी जाति के संवैधानिक अधिकार को, अल्पसंख्यक समाज के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर डांटा डालने का काम कर रहे हैं। और इसका प्रमाण है मान्य, इसका प्रमाण है कि अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई शिक्षा में, प्राइमरी शिक्षा में, और उस 69,000 शिक्षकों में इनका जो संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने मारा कि 1994 के अधिनियम के अनुसार 15,000 पिछड़ी जात के और 3,084 अनुसूचित जात के बच्चों का शिक्षक नहीं बनने दिया गया अगर आरक्षण का अधिनियम का पालन किया होता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई 5 सदस्यीय, उस कमेटी ने माना कि 6,800 शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई है पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जाति। 2022 के चुनाव के पहले अधिसूचना द्वारा भर्ती का विज्ञापन भी दे दिया गया और चुनाव बीत गया, वो बच्चे आज इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, और उनको भर्ती करने का काम नहीं किया जा रहा। मान्यवर यही नहीं, भगवान श्री राम जी का सहारा लेकर इस प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं, 34 विश्वविद्यालयों में सबका साथ सबका काम, सबका साथ सबका सम्मान, सबका विकास का नारा देने वाली सरकार में 34 विश्वविद्यालयों का एक भी वाइस चांसलर पिछड़े वर्ग का या दलित समाज का बनाने का काम नहीं किया। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75 जिलाधिकारियों में से 10% केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारी कार्यरत, केवल 10%, यानी 90% 15% लोगों को बनाने का काम किया जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके।